और बच्चों कैसे हो भाई लोग। हाँ, हम लोग का ऑलमोस्ट चैप्टर आज खत्म हो जाएगा फुल। हम लोग एमसीक्यूज एमसीक्यूज भी देख लेंगे आज, और इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, आपको मालूम चल जाएगा कि आप कितना सही ट्रैक पे चल रहे हो, कितने सही क्लास के साथ आप जुड़े हो, कितना आपका प्रॉपर प्रिपरेशन चल रहा है। ठीक है, तो आप ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, इसके बाद आप खुद ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, आपको मालूम चल जाएगा हमारी ऑथेंटिसिटी। ठीक है, नो नीड टू टेल एनीथिंग एल्स। ओके, सो आज हम लोग देखेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन का लास्ट क्लास का पार्ट। पहले हम लोग एनसीईआरटी रीड करेंगे, एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है वो देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस वाला जो जब पार्ट खत्म हुआ था उसके बाद एक पैराग्राफ मैंने छोड़ा था बोल के कि मियोसिस खत्म होने के बाद इस पैराग्राफ को हम लोग लेंगे, तो वो पैराग्राफ अभी लेंगे। ठीक है, आज ही। और फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस भी देखेंगे, माइटोसिस भी देखेंगे, और फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चंस। ओके, तो मैं क्या एनसीईआरटी का हम लोग क्वेश्चन देख पहले ये देखते रीड कर लेते। ठीक है, मियोसिस टू के बारे में क्या लिखा है। मियोसिस टू का सबसे पहला फेज होता है अपना प्रोफेज वन। क्या लिखा है, मियोसिस टू इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जब होता है, और साइटोकाइनेसिस होता है जब मियोसिस वन के बाद जो साइटोकाइनेसिस होता है उसके बाद बनता है डायड ऑफ सेल्स। डायड ऑफ सेल्स, समझे। तो डायड ऑफ सेल्स बनता है जब ही साइटोकाइनेसिस होने के बाद, उसके बाद फटाक से चालू हो जाता है अपना प्रोफेज टू। मियोसिस टू का प्रोफेज टू फटाक से उस टाइम चालू हो जाता है। ठीक है, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुली कंडेंस्ड। क्रोमोसोम पूरी तरह से कंडेंस हो जाए, इलोंगेट हो जाए टेलोफेज वन में, उससे पहले फटाफट प्रोफेज टू चालू हो जाता है। समझ में आया। तो फुल्ली इलोंगेट होने से पहले ही चालू हो जाता है प्रोफेज टू। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस वन, मियोसिस टू रिजेंबल्स नॉर्मल माइटोसिस। मियोसिस टू जो है वो नॉर्मल माइटोसिस को रिप्रेजेंट करता है, बट मियोसिस वन जो है वो एकदम नॉर्मल माइटोसिस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, वो थोड़ा ज्यादा बड़ा था और उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन और कुछ अलग अलग चीजें भी हो रही थी, इसके लिए हम लोग उसको पांच फेजेस में डिवाइड किया। ठीक है, क्या आया, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स बाय द एंड ऑफ प्रोफेज और क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। ठीक है, क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट इधर पे बहुत छोटा लिखा है, बट माइटोसिस में आपके जो जो लिखा हुआ है माइटोसिस के मेटाफेज में, सॉरी प्रोफेज में, वो एग्जैक्टली सेम चीज सब इधर चिपका सकते हो। ठीक है, मैंने जो पढ़ाया हुआ अभी वीडियो में, ठीक है, या सिर्फ रीडिंग कर रहे, इससे पहले मैंने पढ़ाया हुआ लास्ट वीडियो में, तो आप जाके चेक कर सकते हैं इससे पहले वाली वीडियो, डे लेक्चर 11 ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में देखिए जाके। ठीक है, मेटाफेज टू, एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेन। इस स्टेज पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं किधर, इक्वेटोरियल प्लेन पे, और ये अलाइनमेंट किसकी वजह से होता है, हमारे माइक्रोट्यूबुल्स या स्पिंडल फाइबर्स की वजह से। ठीक है, माइक्रोट्यूबुल्स, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है मेटाफेज में जो यूज हो रहे जो ट्यूब्यूल्स जो भी प्रोटीन, तो कौन सा प्रोटीन यूज हो रहा है, तो ये माइक्रोट्यूबुल यूज हो रहा है। माइक्रोट्यूबुल कौन से प्रोटीन से बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से, तो आपका आंसर आएगा ट्यूबुलिन। फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एक क्रोमोसोम जो है, एक क्रोमोसोम उसको कितने आके स्पिंडल लगते, दो दो स्पिंडल लगते हैं आके। इसकी जगह पे अगर मेटाफेज वन देखा जाए तो उधर एक क्रोमोसोम को एक ही स्पिंडल लगता है ऑलवेज। एनाफेज टू, इट बिगिंस विद साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। एनाफेज कैसे स्टार्ट होता है, जो हमारा सेंट्रोमियर है वो टूटता है और दो सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग, दो क्रोमेटिड बन जाते हैं, दो क्रोमोसोम बन जाते, समझ में आया। और ये जो होता है प्रोसेस, ये होता है साइमल्टेनियस, मतलब जितने भी क्रोमोसोम्स हैं हमारे सेल के अंदर सब एक साथ में ही टूटेंगे, तो साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग होता है। ठीक है, कैसे स्प्लिटिंग, साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग विच वॉज होल्डिंग द, ठीक है, अलाउिंग देम टू मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल बाय, जैसे माइक्रोट्यूबुल शॉर्टन होते, मतलब रस्सी छोटी हो जाती है, आंटी खींचती जा रही है रस्सी छोटी हो जा रही है, तो छोटी हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स की वजह से हमारा जो क्रोमेटिड्स है वो हमारे अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। अभी टेलोफेज टू, मियोसिस एंड्स विद टेलोफेज टू इन विच द टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स वन अगेन एनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमारा क्या होता है, अभी दो जगह पे हमारे क्रोमोसोम्स इकट्ठा हो गए, ठीक है, तो वापस दो जगह पे हो जाते डी कंडेंस। डी कंडेंस होता है और दो ग्रुप ऑफ
डीएनए बनाते हैं तो उसके अगल बगल वापिस हमारा न्यूक्लियर एनवेलप बन जाता है। तो न्यूक्लियर एनवेलप बन गया मतलब वापिस हमारा न्यूक्लियस बन गया और फिर इसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। ठीक है, मतलब अगर आपको क्वेश्चन आए कि हाउ मेनी टाइम्स साइटोकाइनेसिस अकर, हाउ मेनी टाइम्स साइटोकाइनेसिस अकर इन मियोसिस, तो यू विल राइट टू। ठीक है, एक जब डायड ऑफ सेल्स बन रहा है और एक जब साइटोकाइनेसिस होने के बाद टेट्राइड ऑफ सेल बन रहा है, समझ में आ रहा है? तो दो साइटोकाइनेसिस होता है। बट इसी जगह आपको पूछा जाए नंबर ऑफ एस फेजेस दैट अकर इन मियोसिस, तो नंबर ऑफ एस फेजेस कितने लिखोगे आप? वन एंड ओनली वन। वो भी किस टाइम पे होता है? किस टाइम पे होता है? इंटरफेस के टाइम। ठीक है, बट आपको पूछे नंबर ऑफ जी टू फेजेस विच अकर इन मियोसिस, तो आप कितने लिखोगे? दो। एक कभी जब हमारा इंटरफेस हुआ था, दूसरा कभी जब हमारा इंटरकाइनेसिस हुआ था। समझ में आ रहा है? अगर इंटरकाइनेसिस में जी टू फेज नहीं होगा सपोज, ठीक है, जी टू फेज नहीं होगा, तो हमारा डायड ऑफ सेल के टाइम जो है दोनों को एक एक आंटी मिली थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक एक आंटी मिली थी। अगर हमारा जी टू इंटरफेज में इंटरकाइनेसिस में जी टू फेज नहीं होगा तो ये आंटी डबल नहीं होगी। डबल नहीं होगी तो हमारा जो मियोसिस टू में जो है क्रोमोसोम का सेपरेशन दो आंटी के वो पॉसिबल ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए इंटरकाइनेसिस में जी टू फेज होने का होना बहुत जरूरी है। जी टू फेज का होना बहुत जरूरी है कभी इंटरकाइनेसिस में। समझ में आ रहा है? मियोसिस होने के बाद क्या होगा? अपना फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे। समझ में आया? इतना हो गया आपकी चीज। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं अभी हर फेज में हमारा माइटोसिस और मियोसिस में हर फेज में क्रोमोसोम नंबर और अमाउंट कैसे वेरी होता है। ठीक है, और उसका सिग्निफिकेंस देखेंगे। हाँ, तो माइटोसिस में हमारा कितने स्टेजेस होते हैं? सबसे पहले होता है हमारा G1, फिर S, फिर G2, फिर P-MAT। ठीक है, P-MAT के बाद फिर साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो ये सब हो गए अपने स्टेजेस। तो जीव अगर हम लोग जीवन जब हमारा सेल जीवन में था तो हम लोग क्रोमोसोम अमाउंट मान लेते 2C। ठीक है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या मान लेते 2N। डाइप्लॉइड सेल है और हमारा क्या है उसके अंदर अमाउंट है 2C। तो अगले स्टेजेस में क्या क्या चेंज होगा? ठीक है, और जब भी नया नया सेल डिवाइड होने के लिए आता है तो उसके अंदर कितने सेंट्रोसोम होते हैं, कितनी आंटी होती है? एक होती है। समझ में आ रहा है? सेंट्रोसोम एक, और एक सेंट्रोसोम के अंदर कितने सेंट्रियोल होते? दो, और है इसके अंदर टोटल एक सेंट्रोसोम। ठीक है, तो एक सेल के अंदर कितना सेंट्रियोल होगा? टोटल दो। कौन से फेज के दौरान? G1 फेज के दौरान। समझ में आया? तो एस फेज में क्या होगा? एस फेज में होता है अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम डबल। देखो एस फेज में ये जो हमारा ऐसा एक क्रोमोसोम था G1 फेज का, तो उसको कॉपी करके दूसरा बन जाता है वही क्रोमोसोम पे दूसरा, तो ये क्रोमोसोम का नंबर बढ़ा क्या? नहीं, अमाउंट बढ़ गया डीएनए का। ठीक है, तो ये अमाउंट क्या हो गया? 4C। बट हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अभी भी कितना है? 2N। समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ सेंट्रोसोम हमारा एस फेज में सेंट्रोसोम डिवाइड नहीं होता, इसके लिए हमारा नंबर ऑफ सेंट्रोसोम एक और सेंट्रियोल दो। समझ में आ रहा है? अभी जी टू फेज में क्या चेंज होगा? जी टू फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए के साथ कुछ छेड़खानी नहीं होती, छेड़खानी होती है नंबर ऑफ सेंट्रोसोम के साथ, नंबर ऑफ सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल के साथ। समझ में आ रहा है? छेड़खानी होती है, हमारा आंटी हो जाती है डबल। आंटी हो गई एक सेल में दो, आंटी अगर डबल हो गई तो आंटी के बाल बच्चे, एक आंटी के दो बाल बच्चे, तो आंटी के टोटल बाल बच्चे कितने हो गए? एक सेल के अंदर चार। समझ में आ रहा है? मतलब एक सेल के अंदर कितने सेंट्रियोल होंगे? 4, 1, 2, 3, 4। समझ में आ रहा है? ओके, पर जी टू फेज में जो है अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम जो एस फेज का है वही कैरी ओवर होगा, 4C और 2N। समझ में आ रहा है? एज इट इज। प्रोफेज में क्या चेंज हुआ? प्रोफेज में बस वही डीएनए जो है, ये डीएनए जो था यही डीएनए अभी SS हो गया, कंडेंस हो गया, पर और नया डीएनए उसमें सिंथेसाइज हुआ है क्या? नया डीएनए बना है क्या? या सेंट्रोसोम टूट के डबल उसने कर दिया हो क्रोमोसोम नंबर, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं हुआ। हमारा जो सेंट्रोसोम है और सेंट्रियोल है इनके साथ भी कोई चेंज हुआ है? नहीं हुआ। सिर्फ जो हमारा सेंट्रोसोम है दो जो बन गए थे वो अलग अलग पोल पे जाने लग रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो हमारा अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम में कुछ चेंज हुआ है? नहीं। तो अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम 4C। नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कुछ चेंज हुआ है? नहीं, तो 2N। समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ सेंट्रोसोम में कुछ चेंज हुआ है? नहीं, तो ये दो और ये अभी भी चार। समझ में आया?
अभी मेटाफेज में, मेटाफेज में कोई चेंज होता है? नहीं, मेटाफेज में बस क्रोमोसोम से वाके पोल पे लग जाते हैं, इक्वेटर पे लग जाते हैं, बट कोई चेंज होता है नहीं। इसके लिए 4C2N as it is, ये भी 2, ये भी 4। एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में हो जाता है एक सेंट्रोमियर, जो एक क्रोमोसोम के बीच का पार्ट है, ये सेंट्रोमियर टूट के एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बना देता है। समझ में आ रहा है? तो ये एक क्रोमैटिड, ये दो क्रोमैटिड, एक अगर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए तो एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बन जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब एक सेल के अंदर अमाउंट ऑफ डी क्रोमोसोम उतना ही है, अमाउंट ऑफ डीएनए उतना ही है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ गया। समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है, इसमें भी उतना ही, इसमें भी एक लीटर, तो इसमें भी एक ही लीटर क्रोमोसोम है, पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ गया। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया? अभी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया? 4N। समझ में आ रहा है? हाँ, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल अभी भी उतना ही है, 2 और 4। समझ में आ रहा है आपको? हमारा होगा इसके बाद टीलोफेस। कौन सा फेस? टीलोफेस। टीलोफेस में भी सेम रहेगा, 4C 4N। बस ये सब चला गया होगा पोल पे और डिकंडेंस हो जाएगा। ठीक है, अभी उसके बाद हमारा क्या होने वाला है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? हमारा जो एक सेल है वो कट हो जाता है बीच में से और दो सेल बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी एक सेल दो हो गया है। समझ में आ रहा है? पहले वो एक ही सेल था, पहले ये एक ही फैमिली थी सपोज। ठीक है, दो इसमें बेटे थे पर फैमिली एक ही थी। अब तो इनके पास सपोज 4 लाख की संपत्ति थी। समझ में आया? एक फैमिली में 4 लाख की संपत्ति थी स्टार्टिंग में। अभी ये फैमिली दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। ठीक है, तो अभी एक फैमिली का नेटवर्क कितना है? 2 लाख। समझ में आ रहा है? मतलब इनके बीच में जो भी चीजें होंगी वो सब हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगी। समझ में आ रहा है आपको? जो भी चीज अभी प्रेजेंट होगी साइटोकाइनेसिस के बाद हाफ हाफ में सब डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि हो गया अभी बंटवारा। तो इसके अंदर अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा? अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम 2C हो जाएगा, हाफ। और फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा? 2N हो जाएगा, वो भी हाफ। नंबर ऑफ सेंट्रोसोम कितने हो जाएंगे? 1 और सेंट्रियल 2। समझ में आ रहा है? मतलब हमारे पास जैसी सेल आई थी हम लोग ने वैसी ही सेल एक और बना दी वापिस, पर दो सेल हो गए अभी। समझ में आ रहा है? हमारे पास जैसा सेल आया था वैसे ही हम लोग ने वापिस से एक फॉर्मेट फॉर्म कर दिया, बस एक का दो हो गया, एक सेल का दो हो गया है। एग्जैक्टली समझे आपको? ये हो गया माइटोसिस, इसके बाद मियोसिस। ठीक है, मियोसिस में स्टेजेस हमारे ज्यादा होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंटरफेस के स्टेज लिखेंगे। इंटरफेस का स्टेज कौन सा होता है? हमारा G1, S, G2, ओके? उसके बाद होता है हमारा मियोसिस 1। मियोसिस 1 का कौन सा फेज आता है पहले? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ठीक है, इसके बाद इंटरकाइनेसिस। ठीक है, इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस में हम लोग को सबसे ज्यादा फोकस किसके पर रहेगा? G2 पे। ठीक है, इसके बाद मियोसिस 2। मियोसिस 2 का पहला कौन सा? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। और इसके बाद होगा हमारा जब भी इंटरकाइनेसिस हुआ उससे पहले हमारा हुआ था साइटोकाइनेसिस। क्या हुआ था? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, दो बार साइटोकाइनेसिस होता है, आपको बताया था मैंने। ठीक है, और इधर होगा साइटोकाइनेसिस वापिस। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो हो गया डा 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 डा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी स्टार्ट करते हैं। अमाउंट ऑफ डीएनए, हमारा सबसे पहले सेल में कितना डीएनए है? सपोज हम लोग 2C मान लेते स्टार्टिंग में। हमारा डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, आपका अगर हैप्लॉइड सेल रहेगा तो उसके लिए चेंज होगा, डाइप्लॉइड सेल होगा उसके लिए चेंज होगा, सब चेंज होगा। आपको स्टार्टिंग में क्या क्या आ रहा है वो एक अज्यूम करना पड़ेगा। एक सेंट्रोसोम आ रहा है और एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल आ रहा है। ठीक है, एस फेज में हमारा क्या हो गया? हमारा जो सेम चीज हुआ, हमारा जो एक था वो हो गया 2,
इसको देख के। तो दो हो गया तो हमारा अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, डबल, कितना 4c, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही है 2n। हमारे सेंट्रोसोम के साथ कुछ नहीं हुआ अभी भी, उतना ही सेम, ठीक है। अभी इस G2 फेज में क्या होगा, हमारा सेंट्रोसोम हो जाएगा डबल, क्या हो जाएगा सेंट्रोसोम डबल, तो हो जाएगा 2 और इसके साथ में ये 4, समझ में आ रहा है। पर हमारे क्रोमोसोम के साथ कुछ नहीं हुआ है, तो ये 4c ये 2n, ओके एज इट इज। अभी हमारा प्रोफेज 1, उसके बाद एनाफेज, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, ठीक है। तो प्रोफेज 1 में क्या हुआ, हमारे अमाउंट ऑफ क्या था, हमारे पास जो डीएनए था, सिर्फ हमारा जो क्रोमोसोम में वो हो गया कंडेंस, क्रोमोसोम क्या हो गया कंडेंस, बट डिवाइड हुआ है क्या, नहीं, अमाउंट तो उतना ही रहेगा, नया डीएनए बना है क्या, नहीं, तो अभी भी 4c, अमाउंट कितना रहेगा 4c। हमारा ये सेंट्रोमियर टूटा है, नहीं, तो हमारा डीएनए उतना रहेगा, कितना, हमारा जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, उतना ही रहेगा 2n, ओके। सेंट्रोसोम हमारे आंटी जो डिवाइड हुई थी G2 फेज में, वो अभी अलग अलग जाने लगी, पर उनके साथ और कुछ चेंज होगा नहीं, तो नंबर ऑफ आंटी उतनी है, उनके बाल बच्चे उतने ही, 4, समझ में आ रहा है। मेटाफेज में बस एक प्लेट बन जाएगी डबल लेयर की, बट और कुछ चेंज आएगा क्या, नहीं, अमाउंट में चेंज आएगा कुछ नहीं, 4c, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में नहीं 2n, सेंट्रोसोम में नहीं 2, 4, समझ में आ रहा है। अभी एनाफेज 1 में क्या होगा, हमारा जो क्रोमोसोम का जोड़ी है वो टूट जाएगी, ठीक है, एक इधर जाने लगेगी, एक इधर जाने लगेगी, बट अभी सेल डिवाइड हुआ है क्या, नहीं, ये अलग अलग पोल पे जाने लग रहे हैं, बट सेल डिवाइड हुआ है कि नहीं, तो उनको एक में ही जोड़ा जाएगा, तो अमाउंट ऑफ डीएनए 4c रहेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी 2n ही रहेगा, समझ में आ रहा है। हमारा एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर डोंट ब्रेक, सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं हुआ है, इसलिए हमारा जो अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम है वो उतना ही है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी उतना ही है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होता है, बट एनाफेज 1 में डबल हुआ क्या, नहीं हुआ, समझ में आ रहा है आपको, एकदम माइन्यूट डिटेल। एनाफेज हम लोग ने पिछली बार में देखा कि यहाँ पे एनाफेज किधर गया, एनाफेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो रहे थे, बट हमारा यहाँ पे एनाफेज 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो रहे क्या, नहीं, समझ में आ रहा है। सेंट्रोसोम उतना ही, सेंट्रोल भी उतना ही, टेलोफेज में एज इट इज कॉपी कर लो 2, 4, समझ में आ रहा है। अभी हो गया साइटोकाइनेसिस, जब भी साइटोकाइनेसिस होता है उसके पास सेल के पास जो भी चीज होती हो जाती है आधी, ठीक है, तो 4c एक सेल के अंदर कितना अमाउंट था 4c डीएनए, तो अभी कितना हो जाएगा 2c, और उसके बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे n, समझ में आ रहा है n, और यहाँ पे नंबर ऑफ सेंट्रोमियर 1 सेंट्रियल, तो आपको समझ में आ रहा है, जब हमारा मियोसिस 1 हो गया इसके बाद जो है हमारा नंबर ऑफ जो क्या है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वो हो गए हाफ, क्या बोल रहे हाफ, तो इसके लिए मियोसिस 1 को क्या बोलते हैं रेडक्शनल डिवीजन, क्या बोलते हैं मियोसिस 1 को क्या बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, और मियोसिस 2 को ऐसा नहीं बोला जाता क्योंकि वो माइटोसिस का ही कॉपी है, समझ में आ रहा है। क्यों इसको रिडक्शनल डिवीजन बोला, क्योंकि 2n से n हो गया मियोसिस 1 की वजह से, ठीक है। अभी इसके बाद आया G2 आया इंटरकाइनेसिस का, G2 में क्या होता है सिर्फ सेंट्रोसोम डबल हो जाता है, समझ में आ रहा है, एक सेल के अंदर दो सेंट्रोसोम हो गए, और दो सेंट्रोसोम हो गए तो उसके बाल बच्चे कितने, 4 टोटल, समझ में आया, बाकी का कुछ चेंज होता है नहीं, तो 2c अमाउंट ऑफ डीएनए और n अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। प्रोफेज में क्या चेंज होता है हमारे, कुछ नहीं चेंज होता है, तो 2c n 2 4, ठीक है। हमारे मेटाफेज में क्या चेंज होता है, कुछ नहीं चेंज होता है, तो वही 2c n 2 4। एनाफेज में क्या चेंज होता है, तो एनाफेज 2 जो 2 है हमारा, एनाफेज 2 में जो है हमारा सेंट्रोमियर ब्रेक हुआ है, सेंट्रोमियर ब्रेक हुआ, जब भी सेंट्रोमियर ब्रेक होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम को कुछ चेंज होता है नहीं, तो हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए 2n, और ये हो गया हमारा अमाउंट उतना ही रहेगा, ये भी उतना ही, समझ में आ रहा है। तो हमारा क्या चेंज हुआ एनाफेज 2 में, एनाफेज 2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हुए, बट एनाफेज 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हुए क्या, नहीं, डिफरेंस आपको हर जगह की समझ में आनी चाहिए, ओके। टेलोफेज 2 में
एज इट इज आप कॉपी कर लेंगे, सेम वही है, ठीक है। अभी हुआ वापिस साइटोकाइनेसिस, जब भी साइटोकाइनेसिस होता है प्रॉपर्टी हो जाती है हाफ, हर चीज हाफ हो जाती है, समझ में आ रहा है। तो आपका जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो कितना हो गया, सी कितना हो गया, अमाउंट ऑफ डीएनए हो गया सी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए एन, और हमारा नंबर ऑफ सेंट्रोमियर सेंट्रियोल कितने हो गए, कितने हो गए, ओके। ये तो आपको ये टेबल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी बेसिस पे मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है कुछ, ठीक है। आपको कभी भी पूछा जाएगा जो हमारे गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स होते हैं, उसके अंदर क्या अलग होता है हमारे नॉर्मल सेल से। तो आपको पहला ऑप्शन होगा कि आपका जो क्रोमोसोम नंबर है वो होता है हाफ, पहला ऑप्शन होगा क्रोमोसोम नंबर होता है हाफ। सेकेंड ऑप्शन होगा क्रोमोसोम अमाउंट होता है हाफ, ठीक है। तो बच्चों को सिर्फ ये मालूम है क्रोमोसोम नंबर आधा होता है नॉर्मल सेल से, तो बच्चे पहले ऑप्शन टिक कर देंगे। पर कोई ये नहीं देखेगा कि ऑप्शन सी भी है जिसमें लिखा है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी जो ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, उस पे जाने से पहले ही बच्चे ऑप्शन ए टिक कर देंगे। बट एक्चुअली जो हमारा गैमेट होता है वो उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर तो हाफ होता ही है, अमाउंट भी हाफ होता है, समझ में आ रहा है। इसके लिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, जहां तक बच्चे पहुंचेंगे ही नहीं ऑप्शन ए करेक्ट कर देंगे, और ऑप्शन डी होगा नॉन ऑफ द अबव, वो तो ऑप्शन आंसर है भी नहीं, समझ में आ रहा है। तो ऐसे आपको ट्रिक किया जाएगा। यहाँ पे एक चीज ऐसे क्वेश्चन दिखा देते, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल इज हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए इन एन एस फेज सेल, ठीक है। तो हमारा एस फेज में जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो हमको चाहिए, उसका हाफ चाहिए कौन से स्टेज में, ठीक है। पहले लिखा एनाफेज, तो एनाफेज में देखा जाए, चलो एनाफेज में बात किया मतलब माइटोसिस, ठीक है। तो देखो माइटोसिस लिया हम लोग ने, हम लोग ने एनाफेज देखा, ये एस फेज देखा और एनाफेज देखा, ठीक है। एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, 4c, और एनाफेज में 4c, हम लोग को हाफ चाहिए, तो 4c का हाफ 2c होता है, बट यहाँ पे 4c है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा क्या, ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है एनाफेज वन, क्या ऑप्शन, एनाफेज वन मतलब मियोसिस। एस फेज में क्या है, अमाउंट 4c, ठीक है, और एनाफेज वन में क्या है, 4c, अमाउंट हाफ हुआ क्या, नहीं उतना का उतना रह गया, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा अपना रॉन्ग। नेक्स्ट क्या है, एनाफेज टू मतलब मियोसिस, ठीक है। हमारा इधर एस फेज में था 4c, एनाफेज टू में 2c, हाफ मिला, मिला क्या हाफ, हाफ मिला, तो ऑप्शन क्या करेक्ट है, एनाफेज टू, गॉट मी, नन ऑफ द अबव, अगर ये भी रॉन्ग होता तो नन करेक्ट आता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेशन ऑफ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेशन ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अकर, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, देखो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं जो एक ही क्रोमोसोम के अंदर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स मतलब ये जो क्रोमेटिड्स है एक क्रोमोसोम पे होगा क्या, नहीं एक क्रोमोसोम पे नहीं है हमारा। पहली बात तो सेपरेशन की बात की गई है, तो सेपरेशन होता है हमारा एनाफेज में, कोई भी टाइप का सेपरेशन हो एनाफेज में होता है, सात टाइप का सेपरेशन एनाफेज में, जुदाई लंबी जुदाई ऐसा होता है, ठीक है। तो एनाफेज में होता है सेपरेशन, तो आंसर तो एनाफेज का ही होगा, चाहे वन चाहे टू चाहे सादा एनाफेज, ओके। हाँ तीनों भी ऑप्शन वैसे ही है, एनाफेज एनाफेज। पर यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या पूछे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का होता है हमारे इसमें मियोसिस में, मियोसिस में किधर, मियोसिस वन में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जोड़ियां बनी रहती है और खींच लेते हैं अलग अलग जोड़ी कर देते, तो आंसर क्या होगा अपना एनाफेज वन, समझ में आ रहा है। अभी ये दोनों क्वेश्चन मैंने थोड़ा ट्रिकी करने के बनाए थे, अभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस, ठीक है। मियोसिस में हम लोग को रिकॉम्बिनेशन करना पड़ता है, तो रिकॉम्बिनेशन करने के लिए हम लोग को रिकॉम्बिनेज एंजाइम लगती है, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम कब लगेगी, जब रिकॉम्बिनेशन करना होगा, और रिकॉम्बिनेशन कौन से स्टेज में होता है हमारे मियोसिस के, पैशोटीन में, जायगोटीन में होता है क्या, नहीं, LZP बीच वाले स्टेज में होता है हमारे का रिकॉम्बिनेशन। कभी भी याद रखो हमारा जो LZP DD है, इसमें से सबसे बीच वाला जो फेज है इसके अंदर क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन।
तो पैसेटीन में होता है रिकॉम्बिनेशन, तो तभी लगेगा हम लोग को रिकॉम्बिनेस एंजाइम, ठीक है। आइडेंटिफाई द मियोटिक स्टेज इन विच द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल द सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर्स, ठीक है। मियोटिक पहली बार तो मियोटिस्टिक पूछा है, तो 1, 2 सब में ही रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। तो ये समझिए आपको, ठीक है। इसमें पूछा है होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, मैंने बोला था सेपरेशन कौन से स्टेज में होता है, एनाफेज में। कोई भी टाइप का सेपरेशन कौन से फेज में होता है हमारा, एनाफेज में। तो ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। क्रोमोसोम का सेपरेशन का बात आए, सेंट्रो क्रोमेटिड की सेपरेशन का बात है, उसका आंसर में होगा एनाफेज, ठीक है। किसका सेपरेशन पूछा है, सेपरेशन ऑफ इन विच द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक प्लेस व्हाइल द सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड। सिस्टर क्रोमेटिड साथ में ही रह रहे हैं, सेपरेट क्या हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, मतलब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं और जो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड है वो साथ में रह रहे हैं। तो ये हमारा होता है किसमें, एनाफेज वन में। समझ में आ रहा है, ऑप्शन ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, एनाफेज वन, ठीक है। ये आंसर, ये क्वेश्चन आया था AIPMT 2014 में, ये आया था AIPMT 2012 में, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। हाँ, अभी हम लोग को रह गया क्या, कुछ रह गया क्या, रह गया हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। तो आपको मैंने माइटोसिस एंड मियोसिस सिखाते हुए बोला था कि हमारा जो भी माइटोसिस होता है ये मोस्टली होता है किसमें, हमारे डाइप्लॉइड एनिमल सेल्स में, और प्लांट्स में जब होता है वो डाइप्लॉइड हैप्लॉइड दोनों में भी होता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक्सेप्शन था उसको, एनिमल्स में सिर्फ डाइप्लॉइड सेल्स में होता है एक्सेप्ट मेल हनी बी, तो यही आपके लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सिग्निफिकेंस हम लोग को जरूरी क्यों है, अगर माइटोसिस नहीं होता तो हमारी बॉडी ग्रो होती क्या, नहीं, हमारी जो बॉडी वो ग्रो ही नहीं होती और ग्रोथ ही नहीं होता। तो माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, ग्रोथ। समझ में आ रहा है, ये लिखा है आपके एनसीईआरटी में, माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉइड सेल्स ओनली, सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होता है, ठीक है। बट लोअर प्लांट्स में डिप्लॉइड सेल्स में नहीं होता है, उनमें हैप्लॉइड सेल्स में भी होता है, ठीक है। और कुछ सोशल इंसेक्ट्स में भी हैप्लॉइड सेल्स में भी हमारा होता है क्या, माइटोसिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको याद। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये एक आदमी की जिंदगी में इस माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या है, रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ डाइप्लॉइड सेल्स। माइटोसिस से क्या होता है, हमारे प्रोडक्शन ऑफ डाइप्लॉइड डॉटर सेल्स होता है, ठीक है, जो विद आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ग्रोथ हो पाता है। सिग्निफिकेंस क्या है हमारा, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है, ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन, इतना आपको समझ गया, इसका आंसर ये है सिर्फ इतना, एक वर्ड, ग्रोथ ऑफ सेल्स, इतना ज्ञान देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक चीज ये तो हो गया, पर माइटोसिस होता क्यों है, ठीक है, माइटोसिस होता क्यों है, माइटोसिस वाई, कब सेल को पता चलता है कि मेरे को ग्रो करना है, नहीं करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ठीक है। तो हमारा जो सेल है, ये हमारा सेल है, ठीक है, ये अपने लाइफ में ग्रो कर रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है। तो एक टाइम आता है जब ये सेल ऐसा थोड़ा ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो मतलब सेल थोड़ा पहले से था, फिर ऐसा ग्रो हो गया सेल, ठीक है। तो ग्रो होते वक्त हमारा, हमको मालूम है कि हमारा जो सेल का सब कंट्रोल है वो किसके पास है, न्यूक्लियस के पास है। न्यूक्लियस के पास सेल का सारा कंट्रोल है। तो एक टाइम आता है जब साइटोप्लाज्म इतनी बड़ी हो जाती है कि जो न्यूक्लियस का है जो कंट्रोल छूटने लगता है, क्या होता है, न्यूक्लियस का कंट्रोल छूटने लगता है, मतलब न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होता है। तो क्या करता है, सेल डिवाइड करके फिर से छोटा हो जाता है, डिवाइड करके फिर दो सेल बना लिया, साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब जो न्यूक्लियस है वो फिर से वापस से आराम से कारोबार हैंडल कर सकता है। समझ में आया। तो अगर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होता है तो हो जाते हैं माइटोसिस। माइटोसिस होती है, एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। अब जो हमारा न्यूक्लियस बना है उसका प्रॉपर कंट्रोल है हमारे साइटोप्लाज्म के ऊपर, वो इजीली सब कंट्रोल कर पा रहा है, इसलिए हो जाता है माइटोसिस, ठीक है। दूसरा एक और थ्योरी है
कि क्यों होता है माइटोसिस। तो दूसरी थ्योरी बोलती है सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, ठीक है, जो भी सेल हमारा है वो एब्जॉर्ब तो इधर से ही करने वाला है, समझ में आ रहा है, एब्जॉर्ब सरफेस से ही करने वाला है, ठीक है। तो जब सेल ग्रो करता है हमारा वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे, वॉल्यूम में मतलब हमारे आर क्यूब आता है डायमेंशनली, आप फिजिक्स पढ़ोगे तो डायमेंशनली आपको पता चलेगा क्यूब आता है, ठीक है, बट जो हमारा एरिया है एरिया में स्क्वायर आता है, ठीक है। तो जब भी रेडियस कोई भी बढ़ेगी तो 3 times चेंज आएगा वॉल्यूम में, बट 2 times चेंज आएगा हमारे सरफेस एरिया में। तो हमारा जो वॉल्यूम है जितना तेजी से बढ़ता है उतना तेजी से सरफेस एरिया नहीं बढ़ता, और सरफेस एरिया का काम क्या है, हमारा चीजें एब्जॉर्ब करवाना, जितना ज्यादा सरफेस एरिया का उतना ज्यादा चीज एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है। तो एक टाइम आता है जब ये सरफेस एरिया सफिशियंट नहीं हो पाता है इतने बड़े वॉल्यूम के लिए एब्जॉर्ब कर पाने में, ठीक है, तो तब हो जाती है माइटोसिस, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो क्या होने लगती है, लो, तो माइटोसिस, समझा, मतलब वॉल्यूम बहुत बढ़ने लगता है सरफेस एरिया थोड़ा बढ़ने लगता है तो हो जाती है फिर माइटोसिस होती है, उसको वो रेशियो को वापस से मेंटेन करने के लिए, समझ में आया। तो ये होता है वाई माइटोसिस क्यों आकर होता है, ये लिखा, ओके। तो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है कि सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसके लिए एसेंशियल हो जाता है एक सेल को डिवाइड करके रिस्टोर करने के लिए न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर करना बहुत एसेंशियल हो जाता है। अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर, हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में दूसरा चीज क्या आएगा, सेल रिपेयर, क्या आएगा, सेल रिपेयर ग्रोथ और दूसरा सेल रिपेयर, ठीक है। द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट, द ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड, माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टम टिश्यू, द एपिकल लेटरल ओके दिस इज डन। अब हम लोग करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, ठीक है। मियोसिस क्यों होता है कि हमारा जो दो हमारा ये है स्पर्म और एग, अगर स्पर्म में 46 ही क्रोमोसोम रहेंगे, माइटोसिस से स्पर्म प्रोड्यूस होगा तो 46 क्रोमोसोम, एग माइटोसिस से प्रोड्यूस होगा तो 46 क्रोमोसोम, ये दोनों आके मिल जाए तो हमारे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, 92। हमारा जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है एक स्पीशी का वो जगह डिस्टर्ब, इसके लिए हमारी बॉडी ने मियोसिस नाम का एक डिवीजन निकाला, ठीक है, जिससे कि हमारा जो स्पर्म हो उसके अंदर 23 क्रोमोसोम आए, एग के अंदर 23 क्रोमोसोम आए, टोटल मिलके 46 वापस बने, ठीक है। तो हमारे डिस्टर्ब ना हो क्या स्पीशीज का स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर, इसके लिए हमारा होता है मियोसिस। मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज इज अचीव अक्रॉस जनरेशंस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में हमारा क्रोमोसोम नंबर वापिस से रिगेन हो जाए, इसलिए होता है हमारा मियोसिस। इवन दो द प्रोसेस पर से पैराडॉक्सिकली रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, ये प्रोसेस की वजह से क्रोमोसोम नंबर भले ही हाफ हो जाए पर फर्टिलाइजेशन के बाद वापस क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर हो जाता है, समझ में आ रहा है। इट ऑल्सो, और इसकी वजह से हमारा पहली चीज हो गई हमारी कंजर्वेशन ऑफ स्पीसी स्पेसिफिक ये, और दूसरी चीज हमारी क्या होगी मालूम, जेनेटिक वेरिएशन बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन, ये होता है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। मतलब हमारा क्रॉसिंग ओवर हुआ, मदर और फादर के नए कॉम्बिनेशन बने, ठीक है, हमारा वेरिएशन बढ़ा एक पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, मतलब पहले जो नीली आंख वाला था वो बाद काले वाले के साथ था, ठीक है, बट हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो दो लोग के कैरेक्टर्स मिले, अभी नीली आंख वाला जो है भूरे बाल के साथ भी मिले, तो हमारा जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ती किसकी वजह से, मियोसिस की वजह से, और इसकी वजह से हमारे पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन बढ़ता। ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। आपके एनसीईआरटी में इतना ही कंटेंट दिया हुआ है और इसके ऊपर एक सवाल भी नहीं आएगा, एक सवाल, एक कॉन्सेप्ट भी इसके बाहर नहीं जाएगा आपके एनसीईआरटी से, ठीक है, आपके नीट में इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। और आप ऐसे ही स्टे ट्यून्ड रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट चैप्टर हम आपके लिए लिखे आएंगे, उसको भी बढ़िया तरीके से स्विफ्टली कंप्लीट करवा देंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आपको और मतलब हेल्थ चाहिए, टेस्ट सीरीज ये वो, आप आके हमारे ऑफलाइन सेंटर पे ज्वाइन हो सकते हैं,
आप स्टार्टिंग से हमारे वीडियो देखते रहिए, बी कंटिन्यूइंग एंड कंप्लीट द कोर्स, यू विल बी सिलेक्टेड फॉर श्योर. दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू कॉन्सेप्ट. टाटा, बाय बाय.